राजस्थान के बाड़मेर जिले में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के बाद अब सांपों ने कहर बरपाया है। बारिश के चलते बिलों में पानी घुस गया है, इस वजह से सांप बाहर निकल आए हैं। अब इन सांपों ने 19 लोगों को अपना शिकार बनाया है। सांप द्वारा काटे जाने के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। बाड़मेर जिले के चौहटन अस्पताल में ऐसे मरीजों की लाइन लगी हुई है। फिलहाल सभी मरीज खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। दरअसल बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने बाड़मेर में काफी ज्यादा तबाही मचाई। तूफान के साथ बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, साथ ही 19 लोगों को डसे जाने की खबर भी सामने आई। अचानक बड़ी संख्या में सांप के काटने के मामले सामने आए और हॉस्पिटल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते राजस्थान के कई जिलों में सोमवार को ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। बिपरजॉय ने राज्य में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कहर बरपाए रखा। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को जहां टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में भारी बारिश की भविष्यवाणी की, वहीं अजमेर, जयपुर, भीलावाड़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और धौलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार भरतपुर व कोटा संभाग में मंगलवार तक बिपरजॉय का असर बना रहेगा। केंद्र के अधिकारियों ने कहा है कि चक्रवात आगे कमजोर होगा और ये ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएगा। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश के बाद सांचौर, जालोर और बाड़मेर में हालात खराब हो रहे हैं लगातार। इस वजह से सुरावा बांध में पानी बढ़ने लगा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए जोधपुर से SGRF के इंचार्ज एडिशनल SP लोकेश सलवार अपनी टीम के साथ जालोर और सांचौर में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।